नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या दीपावली पर हर बार नई मूर्ति खरीदना आवश्यक है या पुरानी धातु की मूर्ति से आप दीपावली की पूजा कर पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। नई मूर्ति आवश्यक है तो क्या करें? दर्शकों, यदि आपके यहाँ पहले से धातु की मूर्ति है तो आवश्यक नहीं कि आप नई मूर्ति खरीदें। धातु से मेरा अभिप्राय है सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि। दर्शकों, अक्सर लोग दीपावली पर नई मूर्ति खरीदते हैं। दीपावली का त्योहार आते ही बाजार में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की आकर्षित मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगी। दर्शकों, श्रावण माह में प्राय देखा होगा कि पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यह पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन मिट्टियों की मूर्तियों को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर जो पूजा जाता है वह सभी मूर्तियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। अब प्रश्न इस बात का है कि मिट्टी की मूर्ति से पूजा इतनी श्रेष्ठ मानी जाती है तो लोग धातु की प्रतिमा क्यों खरीदते हैं? दर्शकों, धातु की प्रतिमा की बिना प्राण प्रतिष्ठा किए बिना कोई भी देवी देवता उसमें प्रवेश नहीं करते, लेकिन मिट्टी की प्रतिमा में स्वतः ही देवी देवताओं का वास हो जाता है। यदि आप भी बाजार से किसी धातु की मूर्ति लेकर आए हैं तो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए बिना उसकी पूजा न करें, अन्यथा आपकी पूजा निरर्थक मानी जाएगी। लक्ष्मी पूजन के लिए जो भी प्रतिमा खरीदें उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय धनतेरस का है, लेकिन धनतेरस को आप पुरानी मूर्ति से ही पूजा करें। यदि आपके पास पैतृक मूर्ति है तो आपको नई मूर्ति खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होती है। बहुत से हमारे दर्शक दीपावली पर धन प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय करते हैं। जब तक आप ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कर माता लक्ष्मी का आवाहन नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा सार्थक नहीं होगी, क्योंकि बिना सिद्धि प्रदान किए पूजा सार्थक नहीं होती। कई वीडियो आप मेरे चैनल पर धन प्राप्ति के लिए मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, जिस घर में शास्त्रों के विपरीत कार्य होते हैं या जिस घर की गृहिणी शास्त्रों के विपरीत कार्य करती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात को मन से निकाल दें कि हम धनी हैं, सोने चांदी की प्रतिमा से पूजन करेंगे तो हमारी पूजा सार्थक होगी। भगवान अमीर गरीब सभी को समान रूप से फल देने वाले हैं, इसलिए जरूरी नहीं आप नई आकर्षक प्रतिमा ही खरीदें, तभी लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। यदि आप शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करेंगे तो लक्ष्मी स्वतः ही आपके यहाँ चली आएंगी। इसलिए दर्शकों, न तो नई मूर्ति से पूजा सार्थक होती है और न ही महंगी मूर्ति से। हर समय माता लक्ष्मी का मन से स्मरण करें और अपने घर आंगन की स्वच्छता पर ध्यान दें, फिर देखें माता लक्ष्मी का चमत्कार। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।